हेलो जी दोस्तों, आप सबको मेरा सलाम। आज हम राग भोपाली की जो कटेल है उसके बारे में बात करेंगे। ये कल्याण ठाट का राग है। वादी स्वर जो है इसका गा है, संवादी स्वर इसका धा है। तो राग को सजाना और गाना ये राग की पहचान होती है। राग को जब भी गाएं, सजा कर गाएं, अच्छे तरीके से गाएं। और राग जो यमन है वो भी कल्याण ठाट का राग है, राग यमन। तो शुरू ऐसे करना अपने राग को, प रे ग रे परे गे सरे सरे स। अभी जो राग यमन है वो इस तरह को, राग यमन इसलिए लागू होता है, उसमें मां तीव्र लगता है, फिर वो राग भोपाली की शक्ल से लागू हो जाता है। परे गे सरे सरे। राग जो यमन है वो उसमें माँ का तन लगता है, तो वो ऐसे परे ग सुर लगने से, कान लगने से फर्क हो जाता है राग में। सरे ग प ध स ध प ग रे स। तो वीडियो का जो है, वीडियो आज शायद लंबी हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि इसमें राग हमीर के बारे में बात होगी। राग हमीर जो है वो भी कल्याण ठाट का राग है, लेकिन उसमें दोनों माँ लगते, शुद्ध भी लगता है, तीव्र भी लगता है। तो राग जो भोपाली है इसकी जाति औड़ब औड़ब है। तो औड़ब उसे कहते हैं, रोह में भी 500, अपरोह में भी 500। तो शाड़ब वो होती है जिसमें 6 सुर लगते हैं, मतलब 7 ऊपर खाली है ना, तो वो 6 सुर कहते हैं शाड़ब। शाड़ब संपूर्ण उसे कहते हैं जिसमें 7 सुर लगते हैं। यकीनन ये मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ इस चीज को। तो राग जो मतलब के रागों की जो सिंथ है वो रागों को अच्छे तरीके से सजा कर गाएं। परे गे स साध प ग रे स। परे ग राग यमन म ग रे स। वैसे राग यमन ऐसे होता है, परे ग रे स ये राग भोपाली। सरे ग प ध स ध प ग रे ग रे स ध प स। तो पकड़ इस राग की ऐसे है भोपाली की, स तो
राग जो भोपाली, इसमें काफी गीत हैं, काफी गीत हैं, काफी गजलें हैं। सारे गरे का पगा पदा सादा पगरे सा सारे सारे गरे का पगा पदा सादा पगरे सारे गरे सा गरे सा पगरे सा सारे गरे राग हमीर की जो जाति है वो संपूर्ण संपूर्ण है, तो आरोह भी इसका इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें इसलिए कि माँ शुद्ध भी लगा है, माँ तीव्र भी लगा है, तो राग बहुत घूम फिर कर आता है। राग हमीर का जो वादी सुर है वो धा है और संवादी सुर इसका गा है। गाने का वक्त इसका रात का है, रात का आखिरी पहर, तो और वो ऐसे है इसका सारे सा गामा देखा आपने किस तरह, मतलब अरोह इसका घूम घूम कर आया है। अरोह फिर देख ले सारे सा अभी इस राग की जो राग हमीर का जो अरोह वैसे है सा नी ध प म प ध प ग म रे सा। पकड़ इसकी बहुत छोटी सी है, पकड़ जो है इस राग की वो ऐसे है सा रे सा ग म ध, पकड़ इतनी इसकी सिर्फ सरे सा ग म ध। तो ये था दोस्तों राग हमीर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जबूर जो मैंने किया था ना इससे पहले 136, उसमें कमेंट आया दोस्तों का कि आप हदिया लेते हैं कि नहीं। हदिया मैं उस गीत का लेता हूँ जो मैं स्टूडियो में ऑडियो और वीडियो शूट करता हूँ, उसके लिए मैं हदिया लेता हूँ। मैंने जो गीत किया है ना ईस्टर पे, वो चैनल पर है, आप लोग देख लें। वो जितने भी लोगों ने हदिया दिया था वो उस गीत में उन लोगों का मतलब पिक के साथ मौजूद है। अभी जो मैं गीत कर रहा हूँ उसके लिए मुझे हदिया एक सिस्टर ने दिया है, तो खुदावंद उन्हें बहुत ज़्यादा बरकत दे, तो अपनी पनाह में रखे। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें वीडियो को, तो वीडियो पूरी देखें, वीडियो पूरी देखने के कोई पैसे नहीं है। तो खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, अपनी पनाह में रखे। राग भोपाली मैंने बता दिया आपको किस तरह उसका रोह है, किस तरह वादी संवादी है। तो अभी स्क्रीन पर भी मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा ख्याल साफ आ जाए तो बेहतर है। ये दोस्तों देख लें, पूरी मतलब डिटेल लिखी हुई है इस राग की,
जो भी डिटेल है ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये पूरी डिटेल लिखी हुई है इस राग की। राग भोपाली, ठाट, कल्याण, वादी, संवादी, पकड़, सारा कुछ लिखा हुआ है। गॉड ब्लेस यू ऑल, ब्रदर एंड सिस्टर, चैनल को शेयर और लाइक करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।